मॉर्निंग क्लास। आज हम संस्कृत में पढ़ेंगे अष्टम पाठ यानी आठवां पाठ, जिसका नाम है त्रिवर्ण ध्वज। कश्चन बालकः यानी कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहणे समारोहे सोत्साह गच्छन्ति परस्पर संलपन्ति। यानी कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में जाते हुए यह आपस में बात करते हैं। देवस कहता है अधा स्वतंत्रता दिवस, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्रधानाचार्या ध्वजारोहणे करिष्यति। हमारे जो विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं वो ध्वजारोहण करेंगे। छात्रस्य संस्कृति कार्यक्रमान प्रस्तोष्यति, अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। हमारे जो विद्यालय के छात्र हैं वो क्या करेंगे, संस्कृति कार्यक्रम करेंगे और लास्ट में मोदकानी यानी हमें लास्ट में लड्डू मिलेंगे। डेविड कहता है सुचे जानासि त्वम् अस्माकं ध्वजः कीदृशति। जो डेविड है वो कहता है सुचे क्या तुम जानती हो हमारा ध्वज कैसा है। सुचे अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारा जो देश का ध्वज है वो तिरंगा है। सुचे सलीम कहता है रुचे अयं त्रिवर्णं कथम, यह तिरंगा कैसे हैं। रुचि अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, इसमें तीन रंग हैं। अतः त्रिवर्णा की त्वम् एतस्य वर्णानां नामानि जानसि, क्या तुम इन तीनों के नाम जानते हो। सलीम अरे केसर वर्ण श्वेत हरित च एते त्रया वर्ण, यानी केसर या सफ़ेद हरा रंग होते हैं। देवश अस्माक ध्वजे एते त्रया वर्ण की सूचन्ति, जो हमारा तो ध्वज है वो तीन रंग क्या सूचित करते हैं। सलीम श्रुणु, सलीम कहता है सुनो केसर वर्ण शौर्यसा, जो केसर रंग है शौर्यसा यानी वीरता का प्रतीक है यानी वीरता का सूचक है। श्वेत यानी सत्य का, श्वेत यानी सत्य का, हरित समृद्धि सूचक सन्ति, और जो हरा रंग है वो समृद्धि यानी संपन्नता का सूचक है। सूचि किम एतशा वर्णा नामा अन्यदापि महत्वम, क्या इन तीन रंगों के और भी महत्व होते हैं। डेविड कहते हैं आम यानी हाँ, कथना ध्वजस्य उपरि स्थित केसर वर्ण त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक। हाँ, ध्वज के ऊपरी यानी ऊपर स्थित है केसर या रंग, वो त्याग का और उत्साह का सूचक है। मध्य यानी बीच में जो स्थित है श्वेत वर्ण सफ़ेद रंग, वो सात्विकताया सूचते च धोतको, सात्विकता यानी पवित्रता का सूचक है। अध स्थित हरितवर्णा वसुंधराया सूक्ष्माया उर्वरताया धोतक, और जो क्या है लास्ट में हरा रंग है वो क्या है पृथ्वी की सुंदरता का और उपजाऊपन का सूचक है। तेजेंद्र कहता है सुचे ध्वजस्य मध्य एक
नीलवर्ण चक्र वर्तते। तेजेंद्र कहता है सुचि जो ध्वज के बीच में है, मध्य यानी बीच में नीलवर्ण चक्र वर्तते, एक नीला चक्र होता है। सुचि, सुचि कहती है आम आम इदम अशोक चक्र कथ्यति, यानी हाँ हाँ ये क्या है अशोक चक्र कहते हैं, इसको अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते न्याया च प्रवर्ता काम सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति तस्मात् एव एतत् गृहताम, यानी हाँ हाँ ये अशोक चक्र कहलाता है। यह जो चक्र है वो प्रगति का और उन्नति का, प्रगति यानी उन्नति का, न्याय का संचालक है। सारनाथ में अशोक स्तंभ है, उसी से अशोक स्तंभ लिया गया है। प्रणवा, प्रणव कहता है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति, हमारा जो चक्र है उसमें चतुर्विंशति 24 अरा यानी तिल्लियाँ, 24 तिल्लियाँ हैं। मेरी, मेरी कहती है, मेरी एक छात्रा का नाम है, मेरी कहती है भारतस्य संविधान सभाया 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतायाः अस्य ध्वजस्य स्वीकारण जातम्, जो हम भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 ईस्वी में पूरी तरह से ये स्वीकार किया गया था। तेजेंद्र, तेजेंद्र कहता है अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः, अतः एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलन समारोह पूर्वे कः भवति। तेजेंद्र कहता है जो हमारा तिरंगा है, झंडा है, वो स्वतंत्रता दिवस का और राष्ट्र गौरव का सम्मान है। यह क्या है 15 अगस्त को और 26 जनवरी को ये फहराया जाता है, समारोह पर फैलाया जाता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वज, जयतु भारतम, जय हो तिरंगे झंडे की और जय हो भारत देश की। थैंक यू।